दोस्तों नमस्कार। यदि कोई व्यक्ति राजनीति में आकर जिस राजनीति के क्षेत्र में वे है अगर वहाँ की सत्ता के मुहाने तक पहुँच जाए, सत्ता के शीर्ष तक पहुँच जाए और उसके बाद कुछ समय शासन करने के बाद या यह कहें कुछ समय तक उस ताज को संभालने के बाद वह यह कहते हुए इस्तीफा दे कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार की लाल फीताशाही है, इसमें मैं खुद को काम करने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपना रिज़ाइन दे रहा हूँ। केवल रिज़ाइन दे नहीं बल्कि जो वहाँ जिले का मुख्य अधिकारी हो, यानी कि जिस अधिकारी के पास में उस संस्था का मुख्य कार्यभार होता हो, वहाँ जा कर के यह भी कहे कि मैं केवल रिज़ाइन देने नहीं आया हूँ, आप इसे साथ साथ स्वीकार भी करें। तो हालांकि आज के समय में यह बात लगती तो अचंभित करने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ था वर्ष 1995 वाले नगर परिषद बोर्ड के अंदर। दोस्तों अपने कार्यक्रम नगर परिषद नगर पालिका पलवल यादों के झरोखे से, जिसको कि हम लगातार आपके साथ चर्चा में हैं, जिसको कि लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि पलवल नगर पालिका पलवल नगर परिषद का इतिहास कैसा था और पिछले बोर्डों के अंदर जो सत्तासीन लोग रहे थे, जो सरकार के मुखिया बने थे छोटी सरकार के, उनका कार्यकाल कैसा था और उनको कार्यकाल चलाने के लिए, उनको सरकार बनाने के लिए ताज मिला किस प्रकार था। आज मैं आपसे चर्चा में हूँ वर्ष 1995 के बोर्ड के साथ। मैंने आपसे पहले जो चर्चा की वो 1987 से लेकर 1990 वाले बोर्ड की, 91 वाले बोर्ड की, और उसके बाद चर्चा की 1991 से लेकर 1995 यानी कि जिसका कार्यकाल 1994 में पूरा हो गया था, 1994 में के अंत में चुनाव हो गए थे और 95 के अंदर बोर्ड का गठन हुआ था। दोस्तों जो तीसरा सदन था राजनीतिक वनवास, यानी कि जो 1974 के बाद शुरू हुआ था और 1987 में ख़त्म हुआ था छोटी सरकार का, पलवल नगर परिषद नगर पालिका का एक तरह से कहें कि जिन पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बोर्ड, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार लगभग 14 साल के वनवास के बाद 1987 में आई थी गठन में, और उसके बाद जो तीसरा चुनाव हुआ वो चुनाव हुआ था नवंबर 1994 में। उस समय तक पलवल नगर पालिका जो पहले 21 सदस्यीय नगर पालिका थी, तब वो 25 सदस्यीय नगर परिषद बन चुकी थी। 25 सदस्यीय नगर परिषद का जो पहला चुनाव हुआ वो नवंबर 1994 में हुआ, और उस चुनाव के अंदर बहुत रोचक चुनाव था और बहुत अपने आप में लोगों को दिलचस्प करने वाला चुनाव था। नगर पालिका जो पहले थी उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी, वो नगर परिषद हो चुकी थी, मतदाता बढ़ चुके थे, वार्ड बढ़ चुके थे, और उस चुनाव को लेकर के लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियसिटी थी, लोगों के अंदर बहुत रोचकता थी, बड़ी उम्मीदें थी कि अब शहर का विकास होगा। हालांकि उस बोर्ड में काफ़ी हद तक विकास हुआ भी सही, कुछ नए काम भी हुए, उसकी चर्चा भी आपसे करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं वहां से जबकि चुनाव हुआ था। तो नवंबर 1994 में जो चुनाव हुआ उसके अंदर नगर परिषद के अंदर 25 लोग पार्षद चुनकर पहुँचे। जो लोग पार्षद चुनकर पहुँचे उनमें मुख्य रूप से जो थे वो अनिल गोयल जो बाद में चेयरमैन बने, और उनके साथ कंवर रमेश कुमार जो बाद में वाइस चेयरमैन बने, और इनके साथ साथ जो पार्षद बनकर आए नगर परिषद बोर्ड के अंदर वो थे तुहिराम भारद्वाज, जिन्होंने बाद में चुनाव भी लड़ा विधायक का भी, और उनके साथ साथ नेत्रपाल तंवर जो बाद में चेयरमैन भी बने और अब भी चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन का। इनके साथ साथ एक दंपति चुनाव जीत कर आया था, सुरेश चौटानी और उनकी धर्मपत्नी राज चौटानी लगभग एक साल के लिए नगर परिषद की वाइस चेयरमैन भी रहीं। इनके साथ साथ जो अब इस समय चुनाव लड़ रहे हैं धीरज कुमार, उनकी माताश्री भी उस बोर्ड के अंदर पार्षद बनकर पहुंची थी। इनके साथ साथ अशोक कुमार, करण सिंह, मृदुला मित्तल, लज्जावती गर्ग, बलराम गुप्ता, सुभाष तंवर, डॉक्टर अशोक सिंगला, इनके साथ साथ भगत सिंह बबलू, प्रकाश सैनी, शिव नारायण पांचाल, ये महत्वपूर्ण नाम थे, बड़े चेहरे थे, नरेंद्र बबली, शशि बाला, जो उस बोर्ड के अंदर पार्षद चुनकर पहुंचे थे। तीन मनोनीत पार्षद भी थे उस बोर्ड के अंदर, जो दर्शनी कुमार वाल्मीकि, संजय गोयल और प्रकाश चंद सिंगला, तीन नॉमिनेट पार्षद थे। और
इन पार्षदों के बोर्ड का जो गठन हुआ, यानी कि जो चुने हुए पार्षद थे, नामित पार्षदों को, नॉमिनेट पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं होता। जो 25 पार्षद चुने हुए थे उनके जो बोर्ड का गठन हुआ, वो गठन का कार्य पूरा हुआ जनवरी 1995 में, और जो नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव हुआ वो हुआ फरवरी 1995 में। 17 फरवरी 1995 को नगर परिषद के बोर्ड का गठन के बाद चेयरमैन पद का चुनाव हुआ, और चेयरमैन पद की बागडोर मिली व्यवसायी अनिल गोयल को। अनिल गोयल पहली बार पार्षद चुनकर आए थे। अनिल गोयल ने विजयपाल गोयल सर्राफ को अपने चुनाव में, उस समय वार्ड नंबर 17 का चुनाव था, उसके अंदर मात दी थी, चुनावी शिकस्त दी थी, और अनिल गोयल चुनाव जीते थे। और अनिल गोयल को चुनाव जीतने के बाद में नगर परिषद का चेयरमैन चुना गया था। हालांकि जो चुनाव हुआ था 25 सदस्यों का, उसके अंदर अनिल गोयल के साथ में 17 पार्षद थे और सुभाष चौधरी गुट के साथ में 8 पार्षद थे। उस चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुभाष चौधरी के गुट ने बहिर्गमन कर दिया था इलेक्शन का, और इस प्रकार से अनिल गोयल चेयरमैन चुने गए थे। 17 फरवरी 1995 को अनिल गोयल नगर परिषद के चेयरमैन बने, और उनके साथ वाइस चेयरमैन बनी राजरानी सुरेश चौटानी की धर्मपत्नी। हालांकि बाद में वाइस चेयरमैन का पद का चुनाव दोबारा हुआ और उसमें कंवर रमेश कुमार चुने गए, लेकिन जो अनिल गोयल चेयरमैन बने, ये अपने कार्यकाल जो 5 साल का कार्यकाल हो चुका था, लेकिन मात्र 13 महीने पूरे कर पाए। 13 महीने का कार्यकाल चलाने के बाद अनिल गोयल खुद जिला उपायुक्त हुआ करते थे उस समय रामनिवास जी को अपना इस्तीफा देने के लिए गए और उनको अपना इस्तीफा सौंपा। तो जिला उपायुक्त रामनिवास थे, उन्होंने अनिल गोयल से कहा भी कि अपना इस्तीफा वापस लेके जाए और कार्य करें, वे त्याग पत्र ना दें। लेकिन अनिल गोयल ने, जो उनकी खुद की जुबानी है, उन्होंने रामनिवास जी से कहा, डीसी साहब से कहा कि डीसी साहब, मैं केवल रिजाइन देने नहीं आया हूँ बल्कि इसको मंजूर कराने भी आया हूँ। आज भी दबी जुबान से अनिल गोयल जो बताते हैं, जो इस्तीफा देने के पीछे कारण था, वो मुख्य कारण था नगर पालिका, उस समय जो नगर परिषद बन चुकी थी, नगर परिषद में भ्रष्टाचार, पार्षदों के तरफ से भी अलग अलग प्रकार की डिमांड होती थी। इसके साथ साथ जो दूसरी बात थी, हालांकि इस गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे भी नहीं, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर अब की बार भी चुनाव बिना सिंबल पे हो रहे हैं, और वैसे भी अगर सिंबल पे चुनाव भी हुआ करता है तो धनबल के रूप में, हालांकि अब की बार चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता चुन रही है, उससे पहले जो चुनाव होते रहे, जब चेयरमैन पद का चुनाव होता रहा, तो उस समय धनबल का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था चेयरमैन ही लेने के लिए। खैर, इसकी गहराई में हम जाना आज उचित नहीं समझते और हम इसमें जाना भी नहीं चाहेंगे। बहाल चर्चा वो जरूर करेंगे कि जो अनिल गोयल ने कहा, उस समय भी कहा और आज भी दबी जुबान में वो कहते हैं कि उन्होंने रामनिवास जी को इस्तीफा देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से परिषद के अंदर भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, और अलग अलग प्रकार की पार्षदों की तरफ से भी कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी की जाती रही हैं, इसलिए वो चेयरमैन पद पर अपना काम करने के इच्छुक नहीं हैं, वे इस्तीफा देना चाहते हैं। उन पर रोज़ प्रेशर बनता था, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। डीसी साहब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया और लगभग 13 महीने तक कंवर रमेश कुमार बतौर कार्यकारी प्रधान नगर परिषद का चेयरमैन पद संभाले रहे। उस 13 महीने के अंदर कई बार, एक दो बार चुनाव की डेट भी आई, लेकिन चुनाव हो नहीं पाया। और बाद में फिर लगभग 13 महीने बाद, यानी कि 1997 के दूसरे उत्तरार्ध में, यानी कि 1997 का जो अंतिम वर्ष के अंदर, अनिल गोयल को फिर से चेयरमैन बनाया गया, और अब की बार जो उनका चुनाव हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ। अनिल गोयल सर्वसम्मति से दोबारा चेयरमैन बने। इससे बीच का जो कार्यकाल था, लगभग 12-13 महीने तक कंवर रमेश कुमार बतौर कार्यकारी अध्यक्ष नगर परिषद का कार्यभार संभाले रहे। जब उन्हें दोबारा से चेयरमैन चुना गया तो अनिल गोयल वापसी चेयरमैन बने, और उस समय तक बदलाव भी हो चुका था। जब पहले चुनाव हुआ था 1994 में नगर परिषद का, और 1995 में बोर्ड बना था, उस समय पलवल के विधायक हुआ करते थे करण सिंह दलाल हरियाणा विकास पार्टी से, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के जो लोकल बॉडी मिनिस्टर थे वे गुड़गांव के धर्मवीर गाबा उस समय स्थानीय सुशासन मंत्री रहा करते थे। अनिल गोयल बताते हैं कि धर्मवीर गाबा का उन्हें बहुत बड़ा सहयोग मिलता था।
अनिल गोयल ने हमसे एक चर्चा करते हुए बताया कि उस समय कार्यकारी अधिकारी थे नगर परिषद के अंदर जो ईओ थे, एक वो एक कांग्रेस के बड़े नेता के नज़दीकी रिश्तेदारों में भी शामिल थे, लेकिन क्योंकि वो हठधर्मिता कर रहे थे और उस प्रकार से जो राज चलाने की जिम्मेदारी, नगर परिषद का शासन चलाने की जिम्मेदारी चेयरमैन की थी, लेकिन कार्यकारी अधिकारी यूं कहा करते थे कि चेयरमैन क्या होता है। जब यह बात अनिल गोयल ने धर्मवीर गाबा को बताई तो मंत्री जी ने धर्मवीर गाबा ने उसी रात में बाय हैंड ट्रांसफ़र करा करके उनको विदा किया, उन कार्यकारी अधिकारी को, उन ईओ को। और एक मिसाल कही जाएगी, मैं आपसे बता रहा हूँ कि उस बोर्ड के अंदर मैं समझता हूँ कि दो मिसाल थी। एक तो मंत्री जी द्वारा एक ही रात में बैठे बैठे कार्यकारी अधिकारी का ट्रांसफ़र करना, जो कि चेयरमैन को चेयरमैन नहीं मान रहा था, और दूसरा चेयरमैन द्वारा खुद अपना इस्तीफा देना और खुद यह कबूल करना कि उनकी परिषद के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और लाल फीताशाही जोरों पर है, ऐसे में वो काम करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे। और तीसरी जो बात हुई, महत्वपूर्ण बात थी, कि इस्तीफा देने के बाद फिर से पार्षदों ने उन्हीं अनिल गोयल पर विश्वास जताया। अगर माने तो नगर परिषद के बोर्ड का जो समय गया, अलग अलग बोर्ड जो बने, तो जिस समय अनिल गोयल नगर परिषद के चेयरमैन रहे और उनका इस्तीफा देना और उनका वापस चुना जाना एक हमेशा इतिहास के अंदर दर्ज रहेगा। इसके साथ साथ अनिल गोयल के चेयरमैन रहते हुए पलवल नगर परिषद के अंदर एक अच्छा जो काम हुआ, वो काम ये था कि पलवल नगर परिषद द्वारा 50 से अधिक दुकानें बनाई गई 5 स्थानों पर, जिनमें संजय गांधी पार्क के पास, डीसी रेजिडेंस के सामने, जो इस समय डीसी रेजिडेंस है, पहले एसडीएम रेजिडेंस हुआ करता था, उसके बिल्कुल सामने। इसके साथ साथ जवाहर नगर और न्यू कॉलोनी का जो एक मोड़ है, जिसे आज भगत सिंह मार्केट कहते हैं, वो मार्केट भी बनाई। एक शौचालय वाली जगह कही जाती थी, वहाँ भी मार्केट बनी। माने 5 स्थानों पर 50 से अधिक दुकानें बनी। और उसका एक जो फ़ायदा मिला शहर के लोगों को, बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिला कि वो लोगों को रोज़गार दिलाने में सक्षम हुई, रोज़गार उससे मिला, दुकानें खुली। और दूसरी बात यह थी कि जब जब कभी नगर परिषद के अंदर दुकानें बनी तो जो सत्तासीन लोग थे उन पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने भाई भतीजावाद किया, अपने परिवार के लोगों को दुकानें दी। लेकिन वो ऐसा बोर्ड था जिसके अंदर डोनेशन राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई, खुली बोली के अंदर वो दुकानें दी गई, और जो चेयरमैन थे अनिल गोयल, उनके किसी भी नज़दीकी व्यक्ति को वो दुकान नहीं मिली या किसी ने दुकान नहीं ली। कहें तो बिल्कुल एक तरह से पारदर्शिता के तरीके से वो कार्य हुआ। तो आज के कार्यक्रम में नगर परिषद पलवल यादों के झरोखे से जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपसे तीसरे बोर्ड की चर्चा की, जिसके अंदर अनिल गोयल चेयरमैन बने और उन्होंने माने तो 13 महीने का बीच का छोड़ दें तो पूरा समय अनिल गोयल ही चेयरमैन रहे। बीच में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कंवर रमेश कुमार जरूर आए, लेकिन इस्तीफा देने के बाद पार्षदों ने कहें या और सभी लोगों ने, बोर्ड ने या शहर की जनता भी कह सकते हैं, वापस अनिल गोयल पर विश्वास जताया और वह दोबारा चेयरमैन बने। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल नगर परिषद यादों के झरोखे में अगले कार्यक्रम में हम आपसे 2000 से लेकर 2005 वाले बोर्ड की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।